आज मैं आपको बताऊंगा ब्रुनेई देश से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो शायद आप ना जानते हों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ब्रुनेई दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। इस देश का एक द्वीप आइलैंड पे स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया में बसे इस छोटे से देश में बहुत ही कड़े कानून लागू होते हैं। हालांकि टूरिस्टों के लिए यह देश किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ब्रुनेई देश की खोज ओंग अलाग बेतातार ने की थी। जब यह शख्स ब्रुनेई पहुंचे थे तो ब्रुनेई को देखकर उनके मुंह से निकला था बारू नाह, जिसका हिंदी में मतलब होता है मतलब की जगह। बस तभी से इस देश का नाम ब्रुनेई पड़ गया। ब्रुनेई देश का आधिकारिक नाम ब्रुनेई दरुसलाम है। ब्रुनेई एक विकसित देश है और इस देश के इतने विकसित होने की वजह यहाँ भारी मात्रा में पाए जाने वाले खनिज तेल हैं। ब्रुनेई दरुसलाम का अर्थ होता है शांति पसंद जगह, और यहाँ के लोगों के रहने के तरीके और लोगों के लंबे जीवन और क्राइम ना के बराबर होने से यह बात सही है कि यह एक शांति पसंद देश है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार ब्रुनेई दुनिया का चौथा सबसे धनी देश है, क्योंकि इस देश के लोगों की पर कैपिटल इनकम 56 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। ब्रुनेई के लोगों को किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना होता है, और सरकार वहां के लोगों के लिए शिक्षा, घर और कई अन्य सुविधाएं मुफ्त में मुहैया कराती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार ब्रुनेई के 29वें और मौजूदा राजा साल 1993 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन आज भी सुल्तान हसनल बोल्किया की सारी संपत्ति कितनी है या सही से किसी को भी नहीं मालूम। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ब्रुनेई के सुल्तान के पास 5000 कारों का कलेक्शन है, जिसमें 20 लैम्बोर्गिनी, 160 पोर्श, 130 रोल्स रॉयस, 360 फरारी, 170 जैगुआर, 180 BMW, 360 बेंटली और 530 मर्सिडीज बेंज कारें हैं। ब्रुनेई में आदमी प्रति गाड़ी की मात्रा भी अधिक है। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के पास कम से कम 2 कार तो होती हैं। ब्रुनेई को स्वतंत्रता 1 जनवरी 1984 में ब्रिटिश से मिली थी। ब्रुनेई देश की जनसंख्या 4.5 लाख के आसपास है। इस देश का शाही परिवार ब्रुनेई में पिछले 600 सालों से राज कर रहा है, और इस देश की 65% आबादी मुस्लिम है। ब्रुनेई में स्थित नूरुल पैलेस 300 एकड़ में फैला दुनिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल होम है। यह पैलेस एक हील पर स्थित है, जिसे रमजान के बाद सिर्फ 3 दिन के लिए ही सामान्य लोगों के लिए खोला जाता है। इस पैलेस में 2500 रूम हैं, जो आपको एक 5-स्टार होटल की सारी सुख सुविधाएं देता है। ब्रुनेई में खनिज तेल की खोज 1929 में सीरिया नदी के नज़दीक हुई थी। ब्रुनेई में खनिज तेल पाए जाने से पहले ही यहां 1922 में ही पेट्रोलियम कंपनी की स्थापना कर ली गई थी। ब्रुनेई पूरी तरह से एक मुस्लिम संस्कृति वाला देश है, और यहाँ पे अल्कोहल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, और अगर आप सार्वजनिक स्थान पे अल्कोहल पीते पकड़े गए तो आपको जेल होना तो तय है। दोस्तों, यह बात जान के आपको आश्चर्य होगा कि ब्रुनेई अपने यहाँ के कानून को लेकर इतना सख्त है कि इस बार के ब्रुनेई क्रिसमस सेलिब्रेशन में सुल्तान ने मुस्लिम के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, और अगर कोई मुस्लिम वहां जाता पकड़ा गया तो उसे 5 साल की जेल भी हो सकती थी। ब्रुनेई में एक और सख्त कानून है कि आप यहां खाना खाने के लिए सिर्फ दाएं हाथ का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके दाएं हाथ में कोई प्रॉब्लम है तभी आप बाएं हाथ से खाना खा सकते हैं। ब्रुनेई एक मुस्लिम देश होने के बावजूद यहाँ महिलाओं के कपड़ों को लेकर थोड़ी छूट है। यहाँ महिलाएं सूट पहन सकती हैं, लेकिन सूट में फुल स्लीव्स होनी चाहिए। ब्रुनेई में सिर्फ एक मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट है जहाँ से आप बर्गर खरीद सकते हैं,
और यहाँ के सुल्तान यहाँ बिक रहे फूड की क्वालिटी पर विशेष ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।